आप बताइए, कभी भारत सरकार में 12 दलित मंत्री रहे क्या? कभी रहे क्या? कभी आपने देखा कि 8 हमारे आदिवासी मंत्री रहे क्या? कभी आपने गवर्नर को आदिवासी देखा क्या? कभी आपने मुख्यमंत्री को आदिवासी देखा क्या? ये संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कभी आपने देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हो? और कभी सोचा था कि वो महिला, वो आदिवासी हमारी पवित्र उड़िया की धरती से होगी, उड़ीसा की धरती से होगी? इसलिए मित्रों, गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, वंचित की चिंता, पीड़ित की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, ये अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दलित भाइयों का, बच्चों का प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ा दी गई और आज 2,20,00,000 बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, हमारे दलित बच्चों को। और उसी तरीके से अगर हम कहें पोस्ट मैट्रिक में, तो पहले 25,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता था और आज उसमें से 4.4 करोड़ 30 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। यह भी हमको समझना, पहले 25,000 करोड़ और आज 4 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम याद करें कि अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करें, तो हमारा जो लोन है वो 36,583 करोड़ सैंक्शन हुआ है और ये हमारे दलित भाई और आदिवासी भाइयों के लिए दिया गया है। हमारे पिछड़ी जाति के लोग, आज तक कमीशन को संवैधानिक स्टेटस नहीं था, संविधान से उसको संरक्षण नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जातियों के कमीशन को, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के संवैधानिक स्थान दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी महिला बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में बैठी हैं। उज्ज्वला योजना, अब आपको गांव में जाकर के लकड़ी काट करके चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। आज गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचा है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अब हमारी बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस और 5 मिनट में पति देव को चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन खिला करके रुखसत हो जाती है। ये ताकत उनको दी गई।